किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपको कढ़ाई में बड़ी आसानी से घर पर कैसे नान खताई बनाएं ये सिखाने वाली हूँ। आइए बनाना सीखें। नान खताई बनाने के लिए एक कप मैदा, दो टेबल स्पून सूजी, दो टेबल स्पून बेसन, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, 10 टेबल स्पून चीनी पाउडर, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी और इलायची पाउडर। एक बाउल में हम सारी सूखी सामग्री मैदा, सूजी, बेसन को मिला लेंगे अच्छे से। दूसरे बाउल में हम घी ले लेंगे। हमने बाउल में घी निकाल लिया, इसको हल्का सा फेंट लेंगे। अब इसमें हम चीनी पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमने घी को और चीनी पाउडर को अच्छे से मिला के इतनी देर इसको फेंटा है कि ये एकदम मक्खन जैसा हल्का हो गया है और सफ़ेद हो गया है। अब इसमें हम अपना बेकिंग पाउडर डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको फिर से चलाएंगे। हमारा ये पेस्ट अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम सूखा मिश्रण वाला जो छाना था हमने सारा सामान, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम एक डो बना लेंगे। हमारा ये डो तैयार है। अब जिसमें हम बेक करेंगे उस प्लेट को थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेंगे घी लगा करके। हमारा डो तैयार है। अब हम नान खताई बनाते हैं। जिस भी साइज़ की आप बनाना चाहें वो आप बना लें। इस तरीके से आप थोड़ा सा दबा करके जितनी बड़ी आप नान खताई बनाना चाहें बना करके इस प्लेट में जमा देंगे और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे लगाएंगे। पास में लगाने से ये फूल करके आपस में चिपक जाएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएंगे और इस पर बनाने के बाद इस तरीके की डिज़ाइन लगा देंगे ताकि ये अच्छी लगे। नान खताई में आज आपको भगोने में बता रही हूँ। आपके पास जो भी भारी पेंदे का बर्तन हो, कुकर हो, कढ़ाई हो, भगोना हो, जो भी आपके पास हो उसका हैवी बॉटम होना चाहिए। उसमें आप रेड डाल दें या नमक डाल दें। मैंने नमक डाला है, मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। आप चाहें तो बारीक रेत डाल करके इसको आप कम से कम 20 मिनट तक अच्छे से गर्म कर लें, ढक करके। तेज़ गर्म हो जाएगा, ये तेज़ गर्म हमने पहले से ही कर रखा है। आप कम से कम 20 मिनट तक इसको गर्म करके प्री हीट करेंगे। इसमें इस तरीके का कुछ भी झाली वगैरह रख करके हमने जो नान खताई बनाई है उसको इसमें रखेंगे। नान खताई हमने बना ली है। इस पे हमने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए पिस्ता लगा दिया। चाहे तो आप बादाम लगा लें, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो लगा लें। और इसको इस पात्र के अंदर रख करके ढक देंगे। ऊपर जो थाली ढकेंगे ये भी आपको थोड़ी सी भारी लेनी है, पतली नहीं लेनी। भारी थाली से आप ढक करके इसको हाई फ्लेम पर 10 मिनट पकने देंगे, बेक होने देंगे और 10 मिनट बाद हम इसको वापस चेक करेंगे। 10 मिनट बाद हम हटा करके देखते हैं थाली को, बहुत अच्छे से हो रही है। अब इसको हम वापस 10 मिनट और रखने देंगे ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। हमारी नान खताई बहुत अच्छी बनी है, हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। एक तोड़ करके बताती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुंह में जाकर के घुलने वाली रेसिपी है ये, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।